बीवी को इलाज कर लिया, बच्चा जो बुखार हो फिर भूख लग रही सो क्या भी तकलीफ नहीं खाली से जरा जरा आवाज का एक है तो मोबाइल भी ताकत थी खेलने भी नहीं आ रहा था ठीक मारे नहीं आ रहा था अभी फाइटिंग कर रहे ताकत आ गई ऑटो चला रहा ऑटो में बैठ के लगा उसको माशाल्लाह माशाल्लाह उठो जरा चार पास पकड़ो जरा आप कुछ भी तकलीफ नहीं है माशाल्लाह लेकिन एक चीज जेब में दिख रही है एक मिनट नहीं ना छोड़ते ना छोड़ते जल्दी इंशाल्लाह ये जो शीशम का पत्ता है नी ये डेली पत्ता दियो ये डेली पत्ते का काढ़ा बना कर दियो पहले से तो कम करे मैं पहले से कम बहुत पीते थे पहले दो दो कट्टे तीन तीन कट्टे पीते थे अब दो दो पी नहीं बता चुनो दो तीन खाए कि नहीं अब वो दो तीन वो छुट्टी नहीं आदत ठीक है ना वो तुम्हारे डर से पी रहे सोनो ठीक है अब ये शीशम का पत्ता रेगुलर लिए तो वो भी छूट जाते छोड़ देना ठीक है ना नहीं तो मैं खुद फिर देखो क्या करता हूँ ठीक है जेब में अंगड़ डब्बे वगैरह से भी पहले वही छत डाल के निकालता हूँ दवा तुम्हारे पास खाने को दवा आवाज खुली है उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही उनकी आवाज वो क्या जड़ी बूटी खा रहे हैं ना जब से उनकी दवा जरा अलग आवाज आ रही है आवाज आ रही है क्या है ये फिर भी जरा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहाँ से है सोलापुर सोलापुर से आप इनके साथ में हैं क्या क्या तकलीफ थी आपको मेरे अल्सर की तकलीफ थी फिर क्या हुआ डॉक्टर क्या बोले थे डॉक्टर बोले तो हर बार बायोप्सी करो दो बार बायोप्सी कराई तो बोले हर एक बार करो तो बोले मना नहीं करते फिर आपको बता दिए दो बार बायोप्सी कराने के बाद क्या बोले डॉक्टर अल्सर है बोले अल्सर है तो हमारे घर भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा और एक बार बायोप्सी कराओ बायोप्सी करो बोले तो बोले नहीं बायोप्सी नहीं करती मैं वो बोले ऐसा ऐसा घर में बैठी मगर मैं नहीं करूँगी तुम्हारा नाम बोले डॉक्टर ऐसा ऐसा अल्लाह खान बोल के फिर इधर आई मैं आने से बहुत बिल्कुल आराम है अभी बहुत आराम है मैं खाने को नहीं आता था और मुँह में इतनी जलन थी मेरे को और पानी पीने को नहीं आता था बहुत ही पूरा सर पूरा दुखता था मेरे को ऐसा होता तो मर जाऊँ हाँ बहुत तकलीफ थी मेरे को सब तकलीफ पूरी शिफा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है आराम है जख्म भी था बड़ा था हाँ बहुत बड़ा था जख्म बहुत मोटा था निकलने को नहीं आता था ना और खाने को नहीं आता था मेरे को सब खाने को आ रहा पीने को आ रहा हाँ अभी सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अभी लास्ट एक केस है वो एक बता दे तो बचा है क्या जी लाइव ये हो गया और एक दो हो कैसा वो भी बता दो बिकॉज आपको हिम्मत आना बिकॉज ऐसे ऐसे बीमारियों में आप भी मुबतला रहते हैं ना तो आपको हिम्मत की सख्त जरूरत रहती है और वो हिम्मत आपको सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मिलेंगी समझ में आ रहा पैसे देने से नहीं आती आपके पास करोड़ों की दौलत होंगी लेकिन हिम्मत जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखेंगे उसके अंदर ही वो हिम्मत पैदा होती इंशाल्लाह और वो हिम्मत से ही आप ये बीमारी से लड़ सकते हैं ठीक है ना अब मेरे भाई को पूरा रान काट देना बोले पंजा सड़ गया डॉक्टर यास्मीन मैं लाइफ जाते ही गायब हो जाते लोग वो जिन्ना से फास्ट गायब हो जाते बिकॉज हम बिजी रहते ना पकड़ नहीं सकते लोग तब भी क्या करना नाश्ता कर लेना बाथरूम को जाना पोछना धोना पूरा वॉच टाइम पे कर लेते उसके बाद मैं लाइव चुप गया तो पोरों के जुट्ठा पकड़ता हूँ ना इसीलिए कहां भी नहीं जाते ठीक है तो प्लीज जरा डॉक्टर्स कोऑपरेट करो ये मरीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितने महीने हुआ मेरे पास आपको कितने महीने एक साल तीन महीने से इलाज करा रहे मेरे पास एक महीने के इलाज में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 90% शिफा हो गए जिनको डॉक्टर पैर काट देना बोला देखो ये जो गैंग्रीन है शुगर की वजह से आपके पैर जख्म हो जाते सड़ जाते ये रूहानी मसले रहते ये 100 में कोई एक दो जो दिल घट करके पूरे यकीन के साथ इलाज करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होता नहीं तो फायदा नहीं होता देखो बोल रहा हूँ मैं खुली बात जीना मुश्किल है आपका जीना मुश्किल है ये नहीं बोल रहा हूँ मर जाते मैं ये बोल रहा हूँ जीना मुश्किल है शिद्दत की तकलीफ पैर काटने के बाद और एक हाथ काटोगा था लास्ट में पूरा होने के बाद जो है खबर खो दोगा था
कुछ लोग नहीं काटते, कुछ लोग पैर नहीं काटते, तो अल्लाह क्या करता, हाथ काट देता। कुछ लोग हाथ नहीं काटते, सॉरी ये धागा नहीं काटते हाथ में से, काला धागा पहन लेते, कहीं खोले तो नजर का धागा और उससे मेरी बीमारी कम होती। मैं बोलता हूँ धागा काटो, नहीं डॉक्टर साहब मुश्किल है, तुम्हें वो छोड़ो खाली दवा दो, कहते हाथ काट देता अल्लाह। निकालना तो तागा निकालना, नहीं तो हाथ निकालना, तागा होना हाथ होना, निकालना तो पैर निकालना, यानी तो पैर में जो डाले काला धागा वो निकालना, क्योंकि अल्लाह की जात पे भरोसा रखो जी, यकीन आपका अल्लाह देखता आप कौन सी चीज पे यकीन कर रहे, कि अल्लाह की जात पे यकीन कर रहे, क्या ये तागे पलोते नारल नींबुआ पे यकीन कर रहे, बल्कि यकीन के साथ बैठ के हिम्मत से फॉलो करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब हो गए माशाल्लाह से। इनका फोटो का है, पुरानी फोटो डॉक्टर यास्मीन को बोलो, बोलो यार डॉक्टर वालेकुम सलाम, कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। क्या तकलीफ थी? कुछ भी नहीं, उनका देख देख के हमना थकान हो जाते, थकान हो। क्या डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर उनको हुपली वो शोलापुर बहुत गांव फिरे, 10-12 लाख डाले तो भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, आराम नहीं हो गया। तो ये आपका तो वीडियो में देखे, उसके बाद में फिर इधर लेके आई एक महीना, एक महीने बाद दवा जो करे इसके ऊपर माशाल्लाह अच्छे अच्छे अच्छे। डॉक्टर क्या बोला? पैर काटना बोले थे, बेंगलोर में कहाँ तक काटना बोले? मांडी तक पूरा, कुल्ले तक काटना बोले, उधर से काटना बोले थे, यहाँ से ये पूरा पैर काटना बोले, ये पूरा पैर काटना बोले, पैर काटना बोले, अरे नहीं पंजा काट डाले, हाँ पंजा काट डाले, पहले एक बोट काटे, दो बार बोट काटे, फिर पंजा काट डाले, इसके बाद में पूरा गैंग्रीन होने के बाद में पूरा मांडी आराम तक निकालो बोले, निकालो बोले, बोले हम नहीं करे, आपका सुनको इधर चले, जख्म सूख गया, हाँ इधर आए के जख्म सूख गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। जख्म बताओ जी, ये पेशेंट को पहले अंगूठा सटा, अंगूठा काटे, ये पेशेंट को पहले अंगूठा काटे, अंगूठा सटा, अंगूठा काटे, अंगूठा काटने के बाद अंगुलियां काटे, अंगुलियां काटने के बाद पंजा काटे, पंजा काटने के बाद, पंजा काटने के बाद देखो, पंजा काटने के बाद दिख रहा आपको काला धागा, देख रहे पैर में, तो काला धागा निकालना जरूरी था, नहीं तो पैर निकालना पड़ता था। उन्होंने क्या करे, अल्लाह की जात पे भरोसा रखे, धागा निकाल दिए सच्चे दिल से। और ये जो जख्म था, ये जख्म था, आप देख सकते हैं आप कैसा है जख्म, देखो कैसा सूख गया, पूरा सूख गया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा सूख गया, अब पैर काटने की जरूरत नहीं है, देख ले सकते। ये शिफा किसके तरफ से है? ये पैर कौन बचाया? ये पैर कौन दिया और बचाया कौन? अल्लाह ना, ये यानी कैसा अल्लाह शिफा दिया, देखो जी ये बात करिए। डॉक्टर पूरा फॉर्म काटना बोला, फॉर्म काटना बोला था, जख्म कैसा सूखा? जख्म आपकी दवा होती है, दवा ये करे, जब से अभी एक बरस हो गया ना गया तुम्हें दवा खाने को, और तुम्हारे पास आओ बोल देते है, आने की ताकत नहीं आया, फिर वो हमारे रोका जा रहे थे, छुपाना है बाकी ले जाना बोल क्या, ये दवा खाने से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुआ, शिफा है। कितने साल बाद?
कितने साल है? 5 महीने का। माशाल्लाह देखो यहाँ बच्चा, इनको कितने साल से लगनी थी आपको? 10 साल बाद लड़की के बाद थोड़ा मतलब 10 साल बाद डॉक्टर ने कहा था मुझको बच्चा का डेली काटना, बच्चे का डेली काटना घंटी है बोले। मेरा औरत को बच्चा के तैली के ऊपर घंटी आता और कोम का घंटी, और मैडम ने क्या बोला और तैली से काटना बोले बच्चे का, बच्चे की थैली निकाल देना बोले। और दवा लिया हमें और 3 महीने के बाद पूरा घंटी पिघल गया उनको। पूरा घंटी पिघल जाने में मैं फिर से दवाखाने का और जाने के बाद अभी घंटे बोले परेशान का परेशान बहुत होता है मुझको। मेरे भैया ने मुझे को बुला लिया है, एक मिनट क्या हुआ? नहीं रोते, नहीं रोते, बोल जा बात क्या हुआ। हमारे भैया भी कैंसर का पेशेंट है, अभी फायदा क्या है वो बोल दे लो, हिम्मत रखो। और मेरी औरत को घंटी है वो तो घंटी पहली निकालना बोले, निकालना बोलने में परेशान था, बहुत तकलीफ कर रहा था। इसी बात तुम्हारा वीडियो देखा मैं एक बार को, वीडियो देखने के बाद और तुम्हारे वीडियो देख के मैं तुम्हारे कने आया मैं। वापस आए के बाद तुम्हारा 1 महीना 2 महीना स्टेटमेंट लिया मैं दवा, और तीसरी बार को आया पूरा घंटी पिघल गया है और बच्चा की थैली को एक बार चेक कराने के लिए गया मैं और पूरा नॉर्मल ही आया। भी फिर भी अल्लाह के ऊपर यकीन बाकर कहेंगे चलो को भी तुम्हारे कने लेकर आया। पहले बेटी है, बेटा नहीं था, नहीं था। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो मैं गलती से गोली दिला दिया था मैं। अब भी बोलता हूँ बच्चे नहीं होना बिल्कुल, बच्चे आगे होना बोल के गोली दिला दिया था मैं, वो गोली मुझको जान खा दिया, वो गोली से गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया वो, फिर बच्चे नहीं हुए। तुम पहला निकाल देना बोले, पहला भी निकालना बोले और कौन गांठी बढ़े गए और बच्चे का प्रॉब्लम ना बच्चे होते ने को बोले मुझे वापस। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दवा लेके गए बाद और मुझको दवा लग गया, क्या ऐसा लग गया है अल्लाह ही दिया है मुझको वापस। उनका गांठी भी पूरा पिघल गया है और वापस बच्चा मुझको औलाद मर्द बेटा दिया है अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 महीने वाला है मेरा बच्चा बेटा, एक मिनट बतलाता हूँ। हेलो, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बेटा हुआ माशाल्लाह 10 साल बाद, बेटी भी गोलियांक है, वो गोलियांक के साइड इफेक्ट्स हो गए, गड्ढा हो गया बच्चेदानी में, बच्चेदानी निकाल देना बोला, बच्चे नहीं होते बच्चेदानी निकाल लो, फेवरेट है सिस्ट है जो भी है, अब बच्चेदानी निकाल लो। लेकिन उन्होंने अल्लाह की जात पे यकीन रखिए, जो चीज़ बोले उसे अमल करे, बाद जाके वो बच्चेदानी का मसला सॉर्ट आउट हुआ, सेहत मिली, उसके बाद अल्लाह बेटा से नवाज दिए। अब 5 महीने का प्यारा सा बेटा है माशाल्लाह। नाम अमर रजी अल्लाह, अमर 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 अम्मार अम्मार नाम है माशाल्लाह से। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह नेक औलाद जो है उनको जो है अल्लाह उनसे दीन का काम ले इंशाल्लाह। मैं नुस्खा बोलता हूँ बोलिया, नोट डाउन कर लो इंशाल्लाह। बातें बहुत बगार डाला, ठीक है, बहुत बोर होगा आप लोगों को, गर्मी हो गई, ठीक है, मुझे भी जरा निकलना है, इमरजेंसी काम है, डॉक्टर से पूरे देख लेते आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना? लेकिन रे तो मैं कहीं नहीं जाता, ठीक है, पसीने आ जाते आप लोगों को, 10 मिनट में निकल जाते। 50 ग्राम जैतून का तेल ले लो, हाँ 50 ग्राम जैतून का तेल, नॉन रिफाइंड ऑयल, जैतून का तेल, तिल का तेल और रायंग का तेल ले सकते, 50 ग्राम तेल लेके उसको पकाना, और वो जो पत्ता रहता उसमें एक लहसुन की कल्ली डल्ली नहीं कल्ली लेना, उसमें सुई पुरोना, सुई पुरो के वो लहसुन को तेल में डुबो देना, वो अच्छा पकते रहता, वो लहसुन काला हो जाता, वो लहसुन अपनी पूरी तासीर तेल में छोड़ देता, वो लहसुन
काला हो जाता निकाल लेना। वो लहसुन की तासीर और तेल में रहती, जैतून के तेल में। रायन का भी तेल डाल सकते, तिल का भी तेल डाल सकते, ठीक है, जैतून का भी डाल सकते, नॉन रिफाइंड ऑयल। वो जो है आप लहसुन निकाल लो, फेंक दो लहसुन, जो काला हो जाता उससे अभी कुछ भी फायदा नहीं है। ये जो तेल बचे हुआ रहता, ये तेल ठंडा कर लो, कान में चार चार खतरे डालना, एक कान में डालना, दूसरे कान में नहीं डालना, एक कान में डालना। क्या है, अब एक कान में डालने के बाद जो कान में मैल है, आवाज आता, दर्द होता, कम सुनने आता, मैल ज्यादा होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स बहुत आते, यानी तो आप वो बड्स डालने से और ज्यादा होता, वो बड्स वहां जम के और ज्यादा वहां पे डस्ट भर जाता। तो आप ये नेचुरल तरीका है आपके क्या कान की बीमारी से शिफा होने के लिए। आप एक कान में डालेंगे तो गंदगी दूसरे कान से निकलती, इंशाल्लाह एक दो तीन दिन तक निकलता हो, निकलने दो, दो दिन तक रेगुलर एक कान का इलाज करो। उसका होने के बाद ये कान का, जब ये कान में डालेंगे तो ये कान में रुई रखो, ये कान से पूरा निकलता है इंशाल्लाह। समझ में आ रहा, तो घर पे बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19 20 21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बेंगलोर में मिलूंगा इंशाल्लाह। और ये महीना सोलापुर को भी आ रहा हूँ, रुद्गीर को भी आ रहा हूँ इंशाल्लाह, सोलापुर और उदगीर को आ रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900364975 7994141439 8197041411। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस लगा के फेक नंबर डाल के फेक दवाएं भेज रहे, तो लोगों से परहेज करो, और जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ वहीं पे आके आप मुझसे